जो की रिपेयरिंग पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम हुक सेट की सेटिंग करेंगे। हुक सेट तो आप सब जानते हैं दोस्तों, ये रहा हुक सेट। बट हुक सेट में हुक होता कौन सा है, ये देखिए दोस्तों, ये है हुक सेट। और इसके अंदर ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाएंगे नीडल से, ये जो पॉइंट है ये इसको हुक बोलते हैं दोस्तों, जिसका काम है कि नीडल से धागे को कैच करना, थ्रेड को कैच करके एक टाका बनाना, कुछ इस तरह से टाका बनाता है दोस्तों। देखो नीडल से दिखाते हैं आपको, इस तरह से धागे को कैच करते हैं और एक टाका बनाते हैं। तो आज हम इसी की सेटिंग करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे हमें इस तरह से ये धागे को कैच करता है और हमारी टाइमिंग भी इसी तरह से होंगी दोस्तों, इस तरह से हमारी टाइमिंग होगी। हम आपको फ़ोटो में दिखाएंगे, परफेक्ट टाइमिंग इस तरह से ही होती है दोस्तों। और दोस्तों हमारा ये चैनल नया है और हमारा ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, और नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में हम एक सुई ले लेंगे, जो कि नई सुई लेंगे, हम नई सुई ले लेंगे दोस्तों एक, दोस्तों टाइमिंग जब भी हम बांधेंगे, टाइमिंग जब भी हम सेट करेंगे हुक सेट की, तो हम हमेशा नई सुई लेंगे, ना कि पुरानी सुई पे कभी भी हम टाइमिंग नहीं सेट करेंगे। इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुई को नई वाली सुई लेकर लगा देंगे हम मशीन में, और इस तरह से लगाएंगे दोस्तों, जैसे हम दिखा रहे हैं उसी तरह से लगाएंगे। ये सुई को हमने लगा दिया दोस्तों, और पुश करेंगे उसको पूरी तरह से ऊपर, ताकि उसमें थोड़ा भी गैप ना रहे, देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से हम ऊपर की तरफ उसको पुश कर देंगे और फिट कर देंगे दोस्तों। सेकंड स्टेप हम शटल को लगाने के बाद आपको दिखाएंगे, हुक सेट को जब लगाएंगे तब दिखाएंगे सेकंड स्टेप, जहाँ पर हमें चेक करना है कि नीडल पोजिशन कहाँ पर होनी चाहिए। ये हमारी नीडल फिट हो चुकी है दोस्तों, हुक सेट को सेट करेंगे, लगा देंगे, एडजस्टिंग फिंगर लगा देंगे दोस्तों, जिसको स्टॉपर भी बोलते हैं, ये स्टॉपर रहा, इसको हम लगा देंगे। जैसे ये फिट हो जाता है दोस्तों, तो हम दिखाएंगे आपको सेकंड स्टेप में, हमें ये चेक करना है कि नीडल बार पोजीशन कहाँ पर कितना होना चाहिए, ये हम फिक्स कर लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करके टाइट कर लेंगे इसको। दोस्तों याद रखें, ये बारीकी से हम सेटिंग करने वाले, इसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई और वीडियो देखने की। इसको हमने फिक्स कर लिया और नीडल को हमने नीचे लिया दोस्तों, और आप देख लीजिए, और ये नीडल पोजीशन हमारी इस पॉइंट पर आनी चाहिए था दोस्तों, यानी कि जो नीडल होल होता है वो आधा दिखना चाहिए हमें शटल से, आधा दिखना चाहिए दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों आधा दिख रहा है, बट आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो हम देख सकते हो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, हमने कैमरा सेट कर लिया है, देखो आधे से थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है नीचे, और इतना ही दिखना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा दिखेगा तो आपके बॉबिन में टच लगती है, जो कि बॉबिन ख़राब होती है उससे, और धागा भी तोड़ती है मशीन बार बार। तो कुछ फ़ोटोज़ आपको लगा के हम दिखा देते हैं दोस्तों, ताकि आपको ठीक से समझ आए। देखिए दोस्तों, इसी तरह से होनी चाहिए हमारी नीडल बार पोजिशन, अगर नहीं
देख लीजिए, फ़ोटो लगाते हैं। इस तरह से हमारी लिटल पोजीशन होनी चाहिए दोस्तों, देख लो। इससे ज़्यादा नीचे नहीं होना दोस्तों, वरना हमारा धागा टूट जाएगा या फिर बॉबिन में टच लगेगा। जो हमारी बॉबिन ख़राब होती है जिसमें टच लगता है, तो इसी वजह से होता है, जिसकी निडल बार पोजीशन काफ़ी नीचे होती है, इसी वजह से ये होता है। तो हम बारीकी से सेटिंग करेंगे। इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और जुग की मशीन हो, कोई भी मशीन हो दोस्तों, अम्ब्रेला यानी कि जो फुल शटल होती है, उसमें भी यही सेटिंग चलेगी दोस्तों। दोस्तों नीचे ले लेंगे हम सुई को, राउंड घुमाएंगे, और जैसी ऊपर जाने वाली रहेंगे, जब जाने वाली पोजीशन में हम सेटिंग करेंगे दोस्तों। जब इस सुई को जब ऊपर की तरफ जाने लगे सुई, तब हम सेट करेंगे इस तरह से, देख सकते हो दोस्तों। ये गैप है दोस्तों, इसको हमें इतना कम करना है कि आप दिखा देंगे हम आपको। और इस तरह से दोस्तों हमारा जो हुक पॉइंट है वो निडल पे लगना भी नहीं चाहिए। देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे कि इस तरह से ये लग रहा है, इस तरह से लगना भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसको सही कर लेते हैं, और गैप कितना होना चाहिए ये आपको दिखा देते हैं। हमारे जो निडल और हुक के अंदर इतना गैप होना चाहिए दोस्तों, एक पेपर जितना गैप होना चाहिए, आपको दिखाते हैं। पहले सेट कर लेते हैं हम गैप थोड़ा सा, और एक पेपर लेके आपको दिखा देते हैं कि हमारे नीडल और हुक में कितना गैप होना चाहिए। देखिए दोस्तों अभी गैप है नहीं, दिखा देते, देखिए एक पेपर जितना भी गैप इसमें नहीं है। चलिए दोस्तों गैप क्रिएट करते हैं। इसमें थोड़ा सा हुक को थोड़ा पीछे की तरफ दबा देते हैं इसको, अब ये गैप क्रिएट हो चुका है, परफेक्ट गैप है ये दोस्तों। पेपर से दिखा देते हैं आपको, ये देखिए इसको पुश करके आप देख सकते हैं इतना गैप है इसके अंदर, इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं चाहिए। पेपर से देखते हैं, पेपर इसमें ठीक से ये हो रहा है, देख सकते हैं दोस्तों ये पेपर जितना ही गैप चाहिए हमें, बस देख सकते हैं इतना ही गैप चाहिए। इससे ज़्यादा गैप रहेगा तो आपकी मशीन टप्पा करेंगी, जो कि सिलाई में टप्पे आ जाएंगे। पुश करके देख सकते हैं दोस्तों, इतना गैप हमारे लिए काफ़ी है। तो हमारी सेटिंग लगभग कंप्लीट है दोस्तों, थोड़ी सी हम सेट करेंगे, थोड़ा और सेट कर लेंगे क्योंकि परफेक्ट होगा, और जहाँ पे फिक्स हो जाएगा तो वहाँ पर आपको दिखा देंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों नीडल जब ऊपर की तरफ जाने लगे दोस्तों, तब हमें सेटिंग करना है। ये हमारी सेटिंग परफेक्ट है दोस्तों, थोड़ा सा हम सेट करेंगे इसको, और जहाँ भी फिक्स हो जाएंगे आपको वहाँ पे मार्क करके दिखा देंगे कि यहाँ पे हमारी सेटिंग फिक्स है। तो चलिए थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको। दोस्तों हमारी सेटिंग लगभग फिक्स हो चुकी है, हम सही पोजीशन पर ला के आपको दिखा देंगे। यहाँ पर हमारी सेटिंग फिक्स हो गई है, मार्क कर देंगे वहाँ पर हम। तो देख सकते हो दोस्तों हमारी सेटिंग फिक्स हो चुकी है। टाइट कर देंगे हम, एक मिनट दोस्तों, नट टाइट करेंगे थोड़े हल्के से। ये हमारी टाइमिंग फिक्स हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर फोटो लगा देंगे आपके लिए, ताकि आपको समझ आए दोस्तों। तीन स्टेप में फोटो लगा देंगे, आप देख सकते हो नट को टाइट कर देंगे।
तो दोस्तों हम चेक करते हैं कि अब पेपर लेकर कि गैप हमारा कहीं कम ना हो गया और ना हमारी नीडल हुक से टच ना हो, इसलिए हम गैप चेक करेंगे और फिर नटों को पूरी तरीके से टाइट कर देंगे। दोस्तों पेपर ले लें, देखते हैं कहीं गैप, देखिए दोस्तों हमारा गैप अभी भी फिक्स है, जो चाहिए वही है और हमारी परफेक्ट टाइमिंग हो चुकी है। पुश करके देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे नीडल में और हुक के अंदर गैप है, इतना ही गैप चाहिए। चलो नटों को टाइट कर लेते हैं दोस्तों ठीक से, आपको भी अच्छी तरीके से ठीक से टाइट कर लेना चाहिए दोस्तों, ये नटों को थोड़ा भी लूज़ ना हो। ये हमारी परफेक्ट टाइमिंग हो चुकी है दोस्तों, इसके अंदर जो रनिंग में बहुत फास्ट चलाने के बाद जो नीचे बुनकी आती है दोस्तों, ये टाइमिंग सेट करने के बाद आपके वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे धीरे चलाते हैं तो उसमें बुनकी नहीं आती दोस्तों, जैसे फास्ट चलाते हैं तो बुनकी आती है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिट कर लेते हैं दोस्तों फटाफट और आपको ट्रायल दिलाएंगे दोस्तों, आप देख पाएंगे। हम एक सिलाई लगा के दिखाएंगे, एक नहीं काफ़ी सिलाई लगा के आपको दिखा देंगे कि हमारी टाइमिंग परफेक्ट कितनी परफेक्ट काम कर रही है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है हमें कमेंट करें दोस्तों, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और जो भी मशीन हमारे पास आएंगी हम उसका वीडियो, जो भी प्रॉब्लम होगा उसके साथ और उसका सोल्यूशन आपको शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों चला कर देखेंगे कैसे चल रही है। दोस्तों किसी भी कपड़े पर आप चला सकते हैं, पतला जाड़ा कितना भी जाड़ा चला सकते हैं दोस्तों। हमने इसको जब भी हम रिपेयर करते हैं कोई भी मशीन, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेयर कपड़ों के हम उसके ऊपर ट्रायल लेते हैं।